हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। और गाइज, यहाँ पर आप लोगों को एक मी सिक्योरिटी के अंदर जो एक न्यू अपडेट आया है उसके बारे में बताने वाला हूँ। यहाँ पर जो वर्जन देख सकते हैं 5.5.0 और समथिंग आगे कुछ लिखा हुआ देखने को मिल जाता है, जिसके लिंक जो है मैंने जो है यहाँ पर जो टेलीग्राम चैनल के ऊपर यहाँ पर दे दिए, तो आप वहाँ से उसे डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर जो देख सकते हैं नीचे जो कुछ लिखा भी दिया है, तो इसके अंदर जो है खास करके इंटरफेस चेंज होने वाला है, न्यू इंटरफेस ऐड किया है और एनिमेशन भी यहाँ पर जो चेंज हुए देखने को मिल जाते हैं, कलर्स वगैरह। लेकिन सिर्फ और सिर्फ गाइस गेमिंग डिवाइसेस के लिए देखने को मिल जाता है। अगर आपके पास कोई भी डिवाइस है गेमिंग का तो आप उसके अंदर यूज कर सकते हैं, या फिर आपके पास अभी कोई भी डिवाइस है तो उसके अंदर जो आप इंटरफेस को इसके देख सकते हैं, इसे यूज कर सकते हैं। ये कैसे करना है आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको इस सिक्योरिटी ऐप्स को जो अपने फोन के ऊपर यहाँ पर जो है इंस्टॉल कर देना है, और इसकी लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो गाइस, ये जो मेरा रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स है, इसके ऊपर MIUI 12.5 चल रहा है, तो इसके अंदर जो मैंने ये करके दिखाने वाला हूँ, आपके पास दूसरा कोई भी डिवाइस होगा तो उसके अंदर भी आप कर सकते हैं। तो यहां पर फिलहाल देख सकते हैं, मैं जैसे ही इस ऑप्शन को ओपन कर देता हूं, यहां पर जो कलर एनिमेशन का ऑप्शन आ चुका है, और इसे ओपन करने के बाद यहां पर देख सकते हैं काफी जो आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहां पर देख सकते हैं साइड में जो आप लोगों को कलर भी देखने को मिल चुके हैं, यहां पर आप जो डायरेक्टली इन कलर को यूज करके यहां पर इस एनिमेशन को यूज कर सकते हैं। बट गाइस, आप लोगों को यह बता दूं, यह सिर्फ और सिर्फ अभी जो है दिखावा है, क्योंकि हमारे फोन के अंदर इसका कोई भी काम नहीं है। बट मेरा काम है आप लोगों तक यहां पर जो कोई भी न्यू अपडेट आता है या फिर कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन आती है आप लोगों के साथ शेयर करूं। अगर गाइज आपके पास कोई भी गेमिंग फोन है तो यहां पर जो गेमिंग फोन के अंदर जो यहां पर ट्रिगर्स होते हैं, आप लोगों को पता होगा यहां पर बटन होता है, वहां पर बटन होता है, तो आप जो डायरेक्टली इस तरीके से बटन जो दबाते हैं उस टाइम के ऊपर जो यहां पर लाइट का इफेक्ट किस तरीके से चाहिए आप जो यहां पर सेट कर सकते हैं। जैसे कि ब्लैक शार्क वगैरह डिवाइस जो है Xiaomi की तरफ से आए, तो उनके अंदर जो आप इसे इनेबल कर सकते हैं। और गाइज, ये जो है लैंडस्केप के ऊपर या फिर ये आप जो है वर्टिकल कैसे यूज करना चाहते हो आप जो अपने हिसाब से यहां पर यूज कर सकते हैं। तो इसे जो आपको अभी फिलहाल अपने फोन में इनेबल करना है सिर्फ और सिर्फ, तो यार इसे जो कोई भी इसका मतलब नहीं है। फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर ये जो है MIUI 13 का फीचर गाइस आप लोगों को देखने को मिल चुका है, और आपको इस फीचर को देख के यहां पर पता चल ही गया होगा कि MIUI 13 के ऊपर जो काफी जोरों शोरों से यहां पर काम शुरू हो चुका है। तो इसलिए जो मैंने खास करके ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि यार आप लोगों को पता चलना चाहिए कि MIUI 13 के ऊपर यहां पर काम जो जोरों शोरों से स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, आपको अपने सिक्योरिटी ऐप्स को अपडेट कर लेना है जो मैंने लिंक दिया है उससे, और उसके बाद जो आपको प्ले स्टोर के ऊपर जाकर एक्टिविटी लॉन्चर को आप लोगों को सबसे पहले जो यहां पर आपको अपने फोन के ऊपर जो डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, और यहां पर सिंपली जो गेम बूस्टर आप लोगों को ऊपर सर्च कर देना है। फर्स्ट टाइम अगर आप जो है इसे ओपन करोगे तो यहां पर जो आपको थोड़ा बहुत जो यहां पर मतलब लोडिंग लेगा, जो कि आपके सभी जो यहां पर लोड होते हैं। उसके बाद जो आपको यहां पर जो सर्च करना है गेम बूस्टर, तो यहां पर जो मेरे से एक यहां पर छूट गया है वर्ड, तो यहां पर फटाक से डाल देता हूं। तो गाइस देख सकते हैं, मैंने जो गेम बूस्टर यहाँ पर सिर्फ टाइप किया, उसके नीचे जो ऐड गेम का एक फीचर आ चुका है, और उसके बाद जो कलर एनिमेशन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना गाइस, यहाँ पर जो आप लोगों को उसके ऊपर जो लॉन्ग प्रेस करके रख लेना है, और इसे जो आपको क्रिएट शॉर्टकट कर लेना है, क्योंकि अगर आप जो इसे यूज करना चाहते हो बार बार, तो आपको क्रिएट शॉर्टकट कर लेना है, जिससे कि आपके स्क्रीन के ऊपर जो होम स्क्रीन के ऊपर इसका शॉर्टकट बन जाएगा, या फिर डायरेक्टली आप इसे यूज भी कर सकते हैं। बट गाइस, ये जो एक्टिविटी लॉन्चर के ऊपर आप लोगों अगर परमिशन अलाउ नहीं करते तो जो शॉर्टकट क्रिएट नहीं होगा स्क्रीन ऊपर, तो आप लोगों को एक्टिविटी लॉन्चर के ऊपर क्लिक करके रखना है, और इसके बाद जाना है यहां पर, और यहां पर जाना है परमिशंस के अंदर। तो यहां पर जो आप लोग देख सकते हैं परमिशंस के ऊपर जाने के बाद यहां पर होम स्क्रीन शॉर्टकट का एक परमिशन होगा ऊपर, आपको उसे अलाउ कर देना है। इतना करने के बाद आपका काम हो चुका है, यहां पर जो ए ऑटोमेटिकली आ चुका है, आप जो है यहां से आप जो डायरेक्टली इसे यूज कर सकते हैं, मतलब इनेबल कर सकते हैं। बट ये जो कोई काम का नहीं है, सिर्फ मेरा काम है कि आप लोगों के पास यहां पर न्यूज बताना। सो यार, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, पसंद आती तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, टिल देन एंड बाय बाय।